छत्तीसगढ़ में आज नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। विधायक ने राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपने नेता के चयन करने के लिए रविवार यानी 10 दिसंबर को एक बैठक निर्धारित की है। बैठक दोपहर 12 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इनमें से मुंडा और सोनोवाल आज सुबह बैठक से पहले छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही राज्य प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मंडाविया और नितिन नबीन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा रविवार को विधायक दल की बैठक के बाद हो सकती है। बता दें, इससे पहले छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर चर्चा के लिए दिल्ली में बीजेपी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए थे। इस बीच छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों को लेकर अटकलें तेज है। छत्तीसगढ़ में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पार्टी अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व केंद्रीय मंत्री गोमती साय, पूर्व केंद्रीय जनजातीय मामलों की मंत्री रेणुका सिंह, 3 बार मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, आईएएस से नेता बने रमन सिंह शामिल है। ओपी चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी नाम सामने आ रहा है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट।